बहन कितने महीने में आई है? छह महीने में। घर तक कौन बोल रहा मगर? तो बाबू आपको कोई प्रॉब्लम? रखने में कोई दिक्कत? संभालने में कोई दिक्कत? एक्सटेंशन की कंडीशन अभी भी बिल्कुल सही है। छः महीने में इनका अपना बाल नीचे आ गया है, तो अगर हम देखें उठा के एक्सटेंशन में कोई भी टाइप की ड्राइनेस नहीं है, कोई भी टाइप का टैंगल नहीं है। बाल ही लगा रहे होते हैं अगर आप अच्छे से कंडीशनर नहीं करोगे तो, फिर वो ड्राई जैसे नॉर्मल बाल ड्राई होते वैसे। अगर इन्होंने देखो अच्छे से शैम्पू किया, अच्छे से कंडीशनर किया है, अच्छे से मेंटेन करके रखा, छः छः महीने चला गई, तो मेरी रोजी रोटी मार देगी। तो हर महीने आया कल पुणे से आई हूँ। सो स्वीट ऑफ यू। सो अभी हम आपको साथ साथ रिमूवल दिखाने जा रहे हैं, भाई रिमूव करेंगे एक प्रोसेस को। एक्सटेंशन आप लूज करो, एक्सटेंशंस ने जनरली आपके बाल डैमेज नहीं करती। अगर आप ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस लगाते हो आपके बाल हेल्थी रहते हैं, ग्रोथ के साथ साथ धीरे धीरे वो नीचे आते हैं। 1 इंच की ग्रोथ पे आपको हमारे पास आना होता है। 1 इंच की ग्रोथ जब आपकी हो जाएगी आपको हमारे पास आके रिफिल कराना होता है। अब 1 इंच की ग्रोथ मैटर करता है, किसी के 2, 2.5, 3 होने को 6 महीने भी ये चला गई और मस्त थी वो। अब पुणे से ना एक और मुंबई से आएगा, उस तरफ है ना, पास है ना मुंबई, पूरा मुंबई 2.5 घंटे। हाँ। सो अभी हम दीदी के बालों में हम रिमूवल प्रोसेस दिखाएंगे। कई लोगों को लगता है कि रिमूव करने से आपका अपना बाल रेडी है, रिमूव करने से आपका अपना बाल टूट जाता है, ऐसा नहीं होता। अगर आप अनट्रेन थेरेपिस्ट से करवाएंगे तो हम उसकी क्यों गारंटी लेंगे? तेरे को वो थप्पड़ मारेगा तो उसी को मारना, मैं मारूं तो मुझे मार, निकाल के दिखाओ बाल। ये देखो, ये इनका अपना बाल अलग है और ये एक्सटेंशन अलग है। क्या इनका बाल काटा, क्या इनका बाल तोड़ा? नहीं। पर अनट्रेंड से करवाते हो, जिसको नहीं पता होता है वो तोड़ता भी है वो काटता भी है, तो अनट्रेंड से क्यों कराओ भाई? मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ जो सर्जरी कर दूंगी, डॉक्टर ही सर्जरी करेगा। ऐसे ट्रेंड थेरेपिस्ट से करवाओ ताकि अच्छे से निकले भी और अच्छे से लगे भी। एक्सटेंशन ह्यूमन हेयर की लगवाओ और शैम्पू कंडीशनर सीरम की मेंटेनेंस करो, क्योंकि बालों की मेंटेनेंस वैसे ही की जाती है। जी माता दी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर दो, खूब सारा प्यार।